यमुनानगर के गांव मंडावर में गन्ने के खेत में महिला का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय महिला अपने पति के साथ खेतों से चारा लेने के लिए गई थी। महिला का पति चारा लेकर घर वापस लौटा तो महिला उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन जब बहुत देर बाद भी वो घर वापस नहीं पहुंची तो देर रात परिवार वाले उसे ढूंढने निकल पड़े। बहुत ढूंढने पर भी महिला नहीं मिली तो वो वापस लौट आए और सुबह फिर ढूंढने निकले तो महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। महिला के गले में चुन्नी लिपटी हुई थी, जिसे देख मामला हत्या का मालूम पड़ता है। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मृतक महिला के बेटे ने बताया कि महिला ने सोने के गहने पहने हुए थे जो गायब मिले। ये बात है जी, वो बछड़ी लेने के लिए गई थी, ठीक है जी, और इधर से पापा भी गए थे जी, पापा भी खेत में मौजूद थे। तो जैसे मम्मी ने बछड़ी काटी, पापा की साइकिल के ऊपर रखी, ठीक है, पापा जी वहाँ से बछड़ी लेके चले और मम्मी जी लकड़ियाँ लेके चली। तो पापा जी सड़क की तरफ से आए, मम्मी वहाँ से ढोल से आई थी, तो बीच में गन्ना पड़ता था रास्ते में जी। तो जी पापा घर पे आ गए तो जी 1 बज गया 2 बज गया, तो देखा जी मम्मी घर पे नहीं आई, तो पापा दोबारा देखने के लिए गए जी। तो आए, मेरी सिस्टर ने बोला करे वो दिहाड़ी दूड़ी चली गई होगी उसके साथ बरसिन वाले के साथ बरसिन काटने के लिए, और करे वहाँ गई होगी। चलो जी 6 बजे हो गई, 6 बजे आ जाती हैं सारी लेडीज जितनी आई हमारे गाँव की, 6 बज गए थी, 7 बज गए, 8 बज गए, लेडीज का घर भी गए हैं, पूछा वो देखे सारे घर पे हैं, बोला मम्मी मम्मी के बारे में नहीं जी। तो जी ढूंढने के लिए चले गए जी हम, तो हम जी रात 11-12 बजे तक ढूंढा जी हमने, कुछ नहीं मिला जी। आए जी हम घर पे, बैठ रहे घर पे अपने, तो सुबह फिर जी सवेरी 5-6 बजे जी चले गए। तो जी जैसे हम जाते जाते ना, मेरे को रुमाल मिला जी, एक रुमाल मिला मेरे को जिसमें मेरी मम्मी पैसे पूछ रखे, उसमें पॉकेट थी एक जिसमें मेरी मम्मी पैसे पूछ रखती थी, तो वो मिला जी मेरे को। तो मैंने उठाया, मैंने देखा मगर माल तो मेरी मम्मी का है। तो मैंने सोनू जीजे को बुलाया अपने, मगर सोनू ये माल तो मम्मी का है भाई। तो ये करे जीजे ने बोला करे इसी गन्ने में देखो, अगर ठीक है तो जी उसी गन्ने में बढ़ गए जी हम। तो अंदर गए जी, अंदर गए तो बीच में और लकड़ी गठड़ी पड़ी थी जी अंदर, उसी में पल्ली थी, उसी में दानी थी वहीं में। तो उससे आगे चलते रहे जी। तो मैंने बोला जी मगर एक राउंड और मार ले पीछे की तरफ। तो ये जैसे पीछे आए ना, तो वैसे ही जब मेड़े इकट्ठे हो रहे थे 2-3, तो उनके नीचे लाश पड़ी मिली थी मम्मी की। तो उसको वहाँ बाहर निकाला जी, देखा उसके बाद जी मैं पुलिस स्टेशन की गई है जी। चुन्नी बंध रही थी गल में, यहाँ पर निशान खून लग रहा था जी, नसों से खून रहा था, जीप से जीप बाहर निकली थी जी, और कानों में जी उसकी वो थी बालियाँ थी, कोका था जी, और गले में चैन थी, कुछ नहीं है जी, चूड़ियाँ चाड़ियाँ सब टूटी पड़ी थी जी वहाँ पर। हाँ जी सब शक नहीं है जी किसी पे, मैं दुश्मनी भी नहीं आई मार तो किसी के साथ जी। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई कि मंडेबर गांव की गन्ने के खेत में एक लेडीज की डेड बॉडी पड़ी है, जिस सूचना पर हमारे आईओ एएसआई बलदेव सिंह मौका पहुंचे, तो वहां सचिन सनो प्रदीप कुमार ने उससे मिलकर अपना ध्यान अंकित करवाया कि मेरी माता और मेरे पिताजी कल दोनों बरसीम लेने के लिए खेत में गए थे, बरसीम काटने के बाद उसके पिताजी तो वापस आ गए, परंतु उसकी माता लकड़ी लेने के लिए खेत में रह गई, शाम को लेट तक वो घर नहीं पहुँची। तो उसके बाद उन्होंने तलाश शुरू की, तलाश के दौरान रात में भी नहीं मिली, और आज सुबह गन्ने के खेत में तलाश करते हुए उसकी माता की डेड बॉडी मिली, जिसके संबंध में उसके गले में चुन्नी बंधी हुई थी, जिससे ऐसा लगता है किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला घोंपकर उसकी हत्या कर दी है, जिसके संबंध में हमने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। निबर गांव से परमजीत भाई को